अल्हम्दुलिल्लाह। ये मुझे बहुत देर से शौक़ था कि मैंने ये लेनी है साउंड बार विद बेसर, तो आज मैंने ये बाय कर ली है। अब इसको ऊपर लेकर जाके इसकी करते हैं अनबॉक्सिंग और देखते हैं कि ये मेरे रूम में कैसी लगेगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ऊपर घर ले आया हूँ। ये है जी सोनी का 5.1 डॉल्बे ऑडियो के साथ होम थिएटर सिस्टम विद बार। ये इसकी बार है, ये इसके साथ दो स्पीकर हैं और ये इसका बेसर है। तो अब इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये गया जी। सबसे पहले इस पे क्या लगाना है? पहले इसके ऊपर हम लगाएंगे कोई कलाम। नात। यस, कलाम। अच्छा, ये वाला सीन भी ना बड़ा वो है, मतलब जिस तरह होता नहीं है पाकिस्तान के अंदर, या पहले जो कोई भी काम करने से पहले ना शुरुआत से पहले नात शात। और ये लो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, यहाँ से भी अभी इसकी खुलेगी, ये ऐसे और ये ऐसे। तो जी माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है। अच्छा, इसके साथ आते हैं सोनी के सेल, इसका रिमोट, इसके साथ ये इसका कनेक्टर है और ये इसकी पावर केबल्स और ये इसका बेसर है। तो इसको निकालते हैं। हाय 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 भाई साहब, इसका अगर साउंड लगाया ना यहाँ पे हमने बिल्डिंग वालों ने बाहर आ जाना है, कंप्लेन कर देंगे। बिस्मिल्लाह। ओए साउंड बहुत भारी है, बहुत भारी है। हैवी वाला होए होए, हैवी वाले नज़ारे नहीं हो गए है? ये इसका बेसर है। और मज़े की बात बताऊं, ये पैनल नज़र आ रहा है, ये टच पैनल है, मतलब बटन नहीं है, बस आपने इसको टच करना है। टच कर शशके पूरे पूरे सोनी के, सोनी के पूरे पूरे शशके। तुझे पता मैंने पहला जो लिया था वो भी इसका ही लिया था। अच्छा, अब मुझे ये हो रहा है कि मैं यहाँ पे रखूँगा कहाँ, जिस तरह ये LCD पड़ी हुई है यार। ये जो है ना नीचे तो वो आ गया ना जो इसका बेसर, इसका रखते हैं इस साइड पे, इस स्पीकर के अंदर, ठीक है, ये लैंप के साथ, ठीक है, और इसके स्पीकर ऐसे लगा देते हैं। और एक मिनट इसको खोल लूँ। अच्छा, मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ों का, कोई मोबाइल नया आ जाता है या कुछ भी, मुझे बचपन से बड़ा शौक़ है, मतलब कि नई नई चीज़ें लेने का, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स, जिस तरह स्पीकर हो गए। ऑलरेडी मैंने होम थिएटर एक लिया था सोनी का और वो मैंने पाकिस्तान भेज दिया था। इनको बचपन से इतना शौक़ है कि मम्मा पापा इनके लिए जो वो टॉयज वगैरह आते थे ना, ये उनका ऑपरेट करते होते थे। हाँ। ऑपरेट करके फिर दोबारा से फिर उसको उसी हालत में। तो ये तो बचपन के। तो जी ये है इसकी बार, स्पीकर बार, जो बिल्कुल LCD के बिल्कुल नीचे ऐसे आएगी, ठीक है, और जो शश के जो नज़ारे हैं वो इसके हैं। इसके और बेसर के, इसके और, जब ये मुझे तो ये डर है कि मैं यहाँ पे गाना लगाऊं वहाँ से पूरे ये मोहल्ले वाले ना आ जाए, क्योंकि ये फ्लैट है ना यहाँ पे सारे, और है अभी सब फैमिली फ्लैट है। ये है कि बंदा आराम से अपने जितना साउंड आपको चाहिए उतने साउंड का यूज करे। अच्छा जी, ये ऐसे आएगी सोनी की बेस बार, सॉरी क्या बार, स्पीकर बार। और
ये इसके दो स्पीकर हैं, मैं स्पीकर अभी नहीं लगा रहा, ये दो स्पीकर हैं, इनको मैं अभी नहीं लगाऊंगा, ज़रूरत नहीं है इतनी ज़्यादा उसकी, इनको ऐसे रख देंगे। दो स्पीकर हैं, एक ये स्पीकर है और एक इस साइड पे यहाँ पे स्पीकर है, तो इनको भी यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि इसकी। अच्छा जी, उसामा कह रहा है कि ना एक बार सारा सेटअप लगाओ, मैं सोच रहा था कि अभी इसको नहीं निकालते, तो उसामा साहब कह रहे हैं जी एक बार आप सब कुछ लगाएं, लगा के चेक करेंगे, बाद में आप स्पीकर बेशक ये रख दें और सिर्फ साउंड बार से काम चलाएं। लेकिन अब उसामा छोटे भाई ने रिक्वेस्ट ना अपने व्यूवर्स को एक दफ़ा शशके तो दिखाएं ना इसके। चलो जी इसको फिर ओपन करते हैं। अच्छा जी सोनी, ये आएगा इधर स्पीकर, सोनी वाकई में सोनी है, इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ। अच्छा जी ये इधर आएगा सोनी का एक स्पीकर, और एक स्पीकर हम रखेंगे वहाँ पे। अच्छा जी एक स्पीकर जो है वो हम लगाएंगे यहाँ पे, ठीक हो गया, और जो इसकी ये बार है ये आएगी ऐसे। अच्छा ये देख इसके अंदर ये ऑक्स है, ये HDMI और ये TV एंटीना, और उसके अलावा इन्होंने ना दो तारें दी हैं, एक ये थ्री फेज वाली है, थ्री फेज ठीक है, और एक ये डबल फेज, तो आपकी मर्जी है अगर थ्री फेज लगाना है या डबल फेज लगाना है। तो हाँ इस सऊदी अरब में तो आपको पता है कि यहाँ पे चलता है थ्री फेज, तो मैं थ्री फेज वाली तार लगाऊंगा, डबल फेज नहीं लगाऊंगा। इसको उसमें रख दो। कई चीज इसमें, इसको हम कर देंगे यहाँ पे इसकी जगह पे, ये ऐसे आ गए। बिस्मिल्लाह। अच्छा मैंने सारी सेटिंग कर ली है, और वो इसलिए लैंप बंद हो गया क्योंकि इस वजह से क्योंकि वहाँ पर जगह नहीं थी, सिर्फ तीन पोर्ट्स थी बिजली की, तो एक्सटेंशन में फिर उसको मुझे निकालना पड़ा। अब मैं सबसे पहले इसकी सेटिंग करूँगा, पहले इसकी ब्लूटूथ से इसको कनेक्ट करेंगे, ऐड एक्सेसरीज में जाएंगे, और ये आ गया सबसे फर्स्ट पे HT S20R, इसको पेयरिंग कर लेंगे। आय हाय हाय हाय, ये पेयर हो गया, कनेक्टेड आ गया। अब जाएंगे बैक, अब YouTube, और सबसे पहला जो सबसे पहला मैं गाना लगाऊंगा वो लगाऊंगा मेरी, आय हाय हाय क्या साउंड है उस्ताद, सबसे पहले मैं गाना लगाऊंगा जो मैं करूंगा अपनी वाइफ को डेडिकेट, और आजकल बड़ा ट्रेंडिंग पे चल रहा है। अच्छा जी ये गाना है तू है तो फिर और क्या चाहिए, आजकल ये गाना चल रहा है ट्रेंडिंग पे, तो मैं इस गाने को लगाऊंगा सबसे पहले। बदले तेरे, हाय हाय हाय, थोड़ा सा आगे करूंगा, यहाँ से चलाते हैं। मेरा आज का रिव्यू, ये मेरे स्पीकर जो मैं अभी लेकर आया हूँ सोनी के, और
इसकी मैं डिटेल उसमें डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। और मैं हाईली रिकमेंड करूँगा एक मतलब घर में अगर आप एक कमरे के अंदर ये सेटअप करना चाहते हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त है और बहुत हैवी वाले नज़ारे हैं, बहुत मज़े की इसकी आवाज़ है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम। तो जी ये मेरा था आज का व्लॉग जिसमें मैंने सोनी का होम थिएटर बाय किया। इसका जो मॉडल नंबर है HT720R है। मैं हाईली रिकमेंड करूँगा आप घर में एक छोटा सा होम थिएटर मतलब अपने कमरे में या लिविंग हॉल के अंदर बना सकते हैं। और इसकी आवाज़ कमाल है, यानी कि उसका कोई वो नहीं है। एक तो ये मतलब ज़्यादा वो उस तरह की नहीं है कि सर में दिमाग में आके लगे, बेस इसकी बड़ी अच्छी है। दूसरा मैं इसका जितना भी वो इसकी डिस्क्रिप्शन में इसकी सारी डिटेल डाल दूंगा और आप मैं रिकमेंड करूंगा आप इसको बाय करें। और इसी के साथ इस वीडियो को इस व्लॉग को आज मैं एंड करता हूं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।